हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के सेशन में मैं करा रही हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट से देखिएगा, एक से शुरू कीजिए, सीधे 50 पर एंड कीजिए। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज डिटेल में बताया गया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराया गया है। 79-80 वीडियोज या बीपीएससी टीआई 2 में मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड 2024 के जो सेशन का प्रैक्टिस है वो 52वां वीडियो है, 52वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज के वीडियो में, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कोलन किसे कहते हैं? तो किसका पार्ट है कोलन, आपको पता है, सही आंसर आपने लगा दिया होगा। तो सीकम, कोलन एंड मलाशय, ये तीनों भाग होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, यानी कि बड़े आंत के। जबकि छोटी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? डेडिनम, जेजिनम, इलियम। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन हमारे शरीर में सबसे पहले कहां पचता है? तो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, सेलिवरी ग्लैंड, जिससे लार स्त्रावित होता है। लार से टैलिन नामक एंजाइम स्त्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारे मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन, अपूर्ण अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत की विलाई में, छोटी आंत में होता है, यानी इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेरेब्रोटोनिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सेल्डन ने बॉडी टाइप को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को बेसरोटोनी भी कहा जाता है, जो गोल का शरीर होता है, मोटा, कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति वाला। एंड दूसरा होता है पेशी प्रधान संरचना मेसोमॉर्फिक, जिसको सोमेटोटोनी भी कहा जाता है। इसमें शरीर हष्ट पुष्ट होता है, सशक्त होता है, मजबूत बॉडी होती है। और तीसरा होता है अस्थि प्रधान, यानी अस्थि प्रधान यानी दुबला पतला शरीर होता है, एक्टोमॉर्फिक, उसको हम सेरेब्रोटोनी भी कहते हैं। ठीक है, तो दुबला पतला कमजोर सुंदर शरीर होता है, तो यहाँ पे आपका एक्टोमॉर्फिक सेरेब्रोटोनी को कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद के जनक कौन थे? प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के जनक थे रूसो। ठीक है, एंड आपका पूछेगा आइडियोलिज्म, आदर्शवाद के जनक कौन थे? तो प्लेटो। व्यक्तिवाद, यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के जनक कौन थे? अरस्तु। एंड प्रयोगवाद, प्राग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म या व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जॉन डीवी। नेक्स्ट है, जॉर्ज एफ ब्रेडी ने किस खेल परीक्षण यानी कि स्किल परीक्षण का बनाया था? तो दोस्तों, मैं आपको स्किल टेस्ट के अंतर्गत टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि जे एफ ब्रेडी ने ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट बनाया था 1945 में वॉलीबॉल स्किल के लिए। यहाँ भी वॉलीबॉल आपको राइट आंसर होगा। जिसे वॉलीबॉल स्किल टेस्ट के अंतर्गत 2 होते हैं, रसल लैंड वॉलीबॉल टेस्ट एंड ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कीचल स्नान यानी मठवाद कहाँ लोकप्रिय था? दोस्तों, ये पूरे एथेंस काल में लोकप्रिय था, जबकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। वो पूरे एथेंस काल में प्रसिद्ध था, कीचल स्नान यानी मठवाद। जबकि एक होता है थर्नथॉरबाथ कोलेजियम, वो आपका था उत्तरार्ध रोम काल में, तो यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हमारा भोजन पाचन तंत्र में कहाँ पर जाके एसिडिक होता है? तो अम्लीय कहाँ पे जाके हो जाता है हमारा भोजन? तो पेट यानी अमाशय में जाकर के हो जाता है, जहाँ पे जठर ग्रंथि पाया जाता है और जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस यानी कि
जठर रस स्रावित होता है जिसमें से एसीएल, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय बनाते हैं। जैसे कि जो एसीएल होता है भोजन में आए हुए कंकड़ पत्थर एंड जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और भोजन को लुगदी यानी कि पीस देता है। और दोस्तों जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन जो होता है दूध को कैसीन में बदलता है, दूध का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है, वसा का पाचन करता है। यानी कि ये सभी जो एंजाइम्स है एससीएल है भोजन को एसिडिक बनाता है। कहाँ पे होता है, पेट यानी कि अमाशय यानी कि एस्टोमच में। नेक्स्ट है, बार बार अभ्यास करने से रक्त में वह क्षमता आ जाती है जो देर तक क्षारी यानी एल्कलाइन बना रहता है। तो उस रस रक्त क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बार बार अभ्यास करेंगे तो आप में जो रक्त क्षारी से जो रक्त का पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7.43 होता है। यानी कि 7 से ज़्यादा है तो क्षारी होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से सेवन केवल 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा यानी कि उदासीन होगा। तो जब ज्यों ही रक्त क्षारी से अम्लीय होने लगता है तो शरीर में थकावट एंड फैटी एसिड आदि जमा होने लगता है। तो देर तक अल्कलाइन यानी क्षारी बना रहता है तो हमको देर तक थकावट नहीं होगी। ऐसे क्षमता को हम कहते हैं बूफर कैपेसिटी, बूफर क्षमता। नेक्स्ट दोस्तों, वाल्ट टेबल एंड या पोल वाल्ट में, वाल्ट से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे वाल्ट से तात्पर्य होता है छलांग लगाना, ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, लियोर्ड जी एम सी डोनाल्ड ने किस खेल का परीक्षण बनाया? तो दोस्तों कौन सी स्किल टेस्ट का बनाया लियोर्ड जी एम सी डोनाल्ड ने? जैसे कि आप स्किल टेस्ट पढ़े होंगे जो मैंने वीडियो बनाया है थ्योरी सेशन में, तो अच्छे से बता देंगे। तो दोस्तों ये लियोर्ड जी एम सी डोनाल्ड ने एम सी डोनाल्ड सॉकर टेस्ट बनाया फुटबॉल के लिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फुटबॉल। फुटबॉल के अंतर्गत 3 स्किल टेस्ट आते हैं, एम सी डोनाल्ड सॉकर टेस्ट, जोहानसन सॉकर टेस्ट एंड क्रियो सॉकर टेस्ट। नेक्स्ट है, ग्यूलिक टैप से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों ग्यूलिक टैप से शरीर के अंगों की परिधि को मेजर किया जाता है, शरीर के अंगों की परिधि को मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे शरीर की वसा को किससे मापा जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर, बीएमआई, पोंड्रगल इंडेक्स एंड हाइड्रोस्टेटिक दाब आदि से मापा जाता है। मांसपेशी लचकता फ्लेक्सिबिलिटी मापा जाता है आपका गोनियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार वॉलीबॉल के लिए पुडिमा ट्रॉफी है उसी प्रकार हॉकी के लिए कौन सी ट्रॉफी है? तो इसके लिए लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार भूटान के लिए तीरंदाजी है उसी प्रकार बांग्लादेश के लिए क्या है? तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, उसी प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार फुटबॉल के लिए 5 इंच है उसी प्रकार हॉकी के लिए क्या है? दोस्तों फुटबॉल की जो लाइन की मेजर लाइन की मोटाई होती है वो 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार हॉकी की जो लाइन की मोटाई होती है 3 इंच यानी कि 7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार त्वचा के लिए हाइपोडर्मिस है उसी प्रकार हृदय के लिए क्या है? तो दोस्तों एपिडर्मिस, डर्मिस एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस बोल सकते हैं, सो त्वचा की निचली परत होती है। उसी प्रकार हृदय की निचली परत को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। जैसे कि आप एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम 3 मांसपेशी परत से ढकी होती है हृदय, तो एंडोकार्डियम आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार तमिलनाडु की फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मानव संसाधन मंत्रालय है उसी को वो संचालन करती है, उसी प्रकार LNIPE नेशनल लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्वालियर के लिए क्या है? तो दोस्तों
ये जो है युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए ये राइट होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार हृदय के लिए सेरस है उसी प्रकार फेफड़ों के लिए क्या है? दोस्तों हृदय के जो बाहरी तीन मसल्स से बना होता है, हृदय की जो दीवारें एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। एपिमाइसियम में दो परत होती है, जिस पेरिमाइसियम के दो परत से बना होता है एपिमाइसियम, जिसके बीच में सेरस नामक द्रव बना रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। तो उसी प्रकार जो फेफड़ों की होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है, और प्लूरल मेम्ब्रेन की दो परत होती है, उसके बीच में प्लूरा द्रव भरा रहता है। तो यहाँ पे प्लूरा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार श्वसन तंत्र के लिए एल्वेलाई है उसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या है? दोस्तों जिस प्रकार श्वसन तंत्र एल्वेलाई क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र में शुद्ध रक्त कोशिकाओं के अंदर जाता है और वहां से अशुद्ध रक्त को धमनियां वापस ले आती हैं हृदय में। तो यानी कि शुद्ध अशुद्ध रक्त का आदान प्रदान होता है, पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है कोशिका यानी सेल के अंतर्गत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल यानी कि कोशिका। नेक्स्ट है, कैरोटीन का संबंध किस विटामिन से है? तो दोस्तों इसका संबंध विटामिन ए से है। नेक्स्ट है, विटामिन का पाचन शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों विटामिन का पाचन शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन या पूर्ण अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे आदमी। नेक्स्ट है, कोनिका कप किस खेल से संबंध है? तो कोनिका कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, कोपा कप का संबंध किस खेल से है? तो कोपा कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अगर प्रथम श्रेणी के लीवर यानी उत्तोलक में रेसिस्टेंस आर्म यानी भार भुजा को बढ़ा दिया जाए तो वह किसके लिए लाभदायक होगा? तो दोस्तों यह आपका लाभदायक हो जाएगा स्पीड के लिए, गति के लिए। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को बल का लीवर, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को भार का लीवर कहा जाता है, गति का लीवर कहा जाता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फोर्स एंड रेसिस्टेंस के, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार यानी कि रेसिस्टेंस बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स यानी बल बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। नेक्स्ट है, उस खेल का नाम बताइए जिसमें खिलाड़ियों के समूह पानी में समरूप क्रिया करते हैं। तो दोस्तों उसको कहा जाता है सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कोऑर्डिनेशन को इसमें मेजर किया जाता है सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग में। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक समान, सिंक्रोनाइज जो तैराकी होता है स्विमिंग होता है उसमें एक खिलाड़ी अगर प्रतिभाग करते हैं तो उसको सोलो कहा जाता है, यदि दो खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं तो उसको ड्यूट कहते हैं। ये भी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस चिकित्सकीय विधि को क्या कहते हैं जिसमें चोट लगे अंग को बर्फीले पानी में डुबोया जाता है तथा गति कराया जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम क्रायोकाइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान के लिए एक स्टॉपवॉच बंद हो गई हो तो कौन सा समय लिया जाएगा? तो जाहिर सी बात है एक बंद हो गया है तो जो अगला चालू है उसका समय ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे? जिसका समय ज्यादा होगा उसको रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों लॉन्ग जंप जो होता है उसके लैंडिंग एरिया 9×2.75 मीटर होता है, यानी 9 मीटर चौड़ा और लंबा और 2.75 मीटर चौड़ा।
और जो लैंडिंग एरिया होती है टेकऑफ बोर्ड से 1 मीटर की दूरी पर होती है, और इसमें रनवे जो होता है वो 40 से 45 मीटर होता है। रनवे की चौड़ाई जो है 1.22 से 1.25 मीटर होती है। कूदने के लिए अधिकतम समय 1 मिनट का होता है, और टेकऑफ बोर्ड जो होता है वो अवतरण क्षेत्र या लैंडिंग एरिया से 1 मीटर की दूरी पर होता है, और टेकऑफ बोर्ड की जो लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई 1.21 से 1.22 मीटर एंड चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है, गहराई या मोटाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें प्लास्टिसन इंडिकेटर बोर्ड का भी इस्तेमाल होता है जिसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों, ऊंची कूद में गद्दे की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? जैसा कि हमने बुक में पढ़ा हुआ है 60 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे आंसर दिया हुआ 70 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें हम कंफर्म नहीं है, गद्दे की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर मैंने पढ़ा हुआ है बुक में, बट यहाँ पे 70 सेंटीमीटर आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको कंफर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, लक्स मीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है, मेसो साइकिल कितने दिन का होता है? तो आपको पता ही है मेसो साइकिल कितने दिन का होता है। मेसो साइकिल जैसे कि ट्रेनिंग साइकिल 3 होता है, मैक्रो चक्र, मेजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। सबसे बड़ा चक्र होता है माइक्रो चक्र, जिसे ट्रेनिंग योजना या वार्षिक चक्र भी कहते हैं, जो 1 साल यानी 3 से 12 महीने का होता है। दूसरा होता है मेजो चक्र, जो 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का होता है, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवसन चक्र भी बोलते हैं। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना भी कहते हैं, जो सबसे छोटा चक्र यानी 3 से 10 दिन का होता है या 1 सप्ताह का, इसलिए साप्ताहिक चक्र कहते हैं। तो यहाँ मेजो साइकिल बोला है, तो 3 से 6 सप्ताह का राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए जन्मे शिशु की हार्ट रेट यानी हृदय दर कितनी होती है? तो दोस्तों नए जन्मे शिशु की हार्ट रेट जो है 140 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 140 प्रति मिनट, जबकि आप सबकी कितनी होती है साधारण अवस्था में? 72 प्रति मिनट। जब आप कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं तो 180 प्रति मिनट। जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं बार बार अभ्यास करते करते, तो उस कंडीशन में साधारण स्थिति में श्वास कितना हो जाता है? 40 से 50 प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है, 100 मीटर स्टार्ट के लिए स्टार्ट देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसको स्टार्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है, वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुआ था। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी TI2 में पूछा हुआ था, और इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा आपका राइट आंसर होगा, और वर्तमान अध्यक्ष है वाडा की जॉन फाहे। नेक्स्ट है, YMCA चेन्नई किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों YMCA चेन्नई जो है वह तमिलनाडु खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1920 में भारत में SC बक ने चेन्नई मद्रास में किया था, और सबसे पहले 6 जून 1844 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, लिपिड किसे कहते हैं? तो वसा को ही रासायनिक रूप से लिपिड कहा जाता है, फैट को। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लूकोमा शरीर के किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा दोस्तों ये हमारे आंखों का यानी आईज का रोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एल्फियस और क्लेडियस क्या है? तो ये ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेल में एथेंस में जो नदियों का नाम था, तो ये नदियों का नाम है जिसमें भूकंप एंड ज्वालामुखी आया था, ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों, प्राचीनकालीन ओलंपिक के दौरान आकाश देवता किसे कहा जाता था? तो दोस्तों प्राचीनकालीन ओलंपिक के दौरान
जीएस देवता को जीएस देवता को आकाश देवता एंड सूर्य देवता को अपोलो देवता, समुद्र देवता को पोसिडियन कहा जाता था। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी बार ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है? तो वो आपका महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जहां पे एक भी बार ओलंपिक आयोजित नहीं किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉल्ट लेक विधि से क्या विकसित होता है? तो आपको पता ही है फॉल्ट लेक विधि से ये एंड्योरेंस डेवलप करने की विधि है, यानी सहनशीलता डेवलप होता है। फॉल्ट लेक विधि की खोज 1937 में गोस्टा होमलम ने किया था एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। फॉल्ट लेक शब्द जो है स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले, एंड यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से कराया जाता है। नेक्स्ट है, नईमुद्दीन का संबंध किस खेल से रहा है? तो नईमुद्दीन का संबंध जो है वह फुटबॉल खेल से रहा है। नेक्स्ट है, भारत के लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का क्रम किस ओलंपिक में टूटा? जैसे कि आपको पता है कि जो भारत आधिकारिक रूप से 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भाग लिया, और भारत हॉकी में भारत ने सबसे पहले भाग लिया खेला 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, जिसमें से पहला बार भाग लिया, पहली बार ही स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फिर से लगातार स्वर्ण पदक 1980 मास्को ओलंपिक तक करता रहा, जिसमें से बीच में एक क्रम टूटा 1960 में, क्योंकि 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 लगातार स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद 1960 में रजत पदक जीता। ठीक है, तो एक क्रम कब टूटा? तो 1960 में, उसके बाद फिर से 1964, 1980 में स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद अब स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है। यानी कि अभी तक हॉकी में भारत ने ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य पदक जीते हैं। एक रजत आपका जीता है 1960 में, फिर उसके बाद 3 कांस्य पदक 1968, 1972 और 2020 टोक्यो में ओलंपिक में जीता हुआ है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो दोस्तों 1920 टोक्यो जापान ओलंपिक में, इससे पहले का क्वेश्चन होता तो 2012 होता, क्योंकि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीता हुआ था, लेकिन 1920 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीता है, 1 स्वर्ण, 2 रजत एंड 4 कांस्य पदक। एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में 87.58 मीटर थ्रो करके, और 2 रजत पदक में मीराबाई चानू वेटलिफ्टर में, रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 kg में, और 4 कांस्य पदक में लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया 65 kg भार वर्ग में कुश्ती में, एंड भारतीय हॉकी टीम। नेक्स्ट है, उस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं जिसमें तनाव बराबर बना रहता है एंड मसल्स की लंबाई कम और ज्यादा होती है? तो क्वेश्चन सुनते ही आपने आंसर दे दिया होगा, आइसोटोनिक, जो दो प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक या इसेंट्रिक। जब लंबाई कम होती है तो कॉन्सेंट्रिक, ज्यादा होती है तो इसेंट्रिक बोला जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक के छल्लों में पीला रंग किसको इंगित करता है? तो ओलंपिक के 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। इसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। इसे पीला बोला है तो पीला रंग जो है वो एशिया महाद्वीप का प्रतीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लाइंग हाउस वाइफ के नाम से कौन सी महिला खिलाड़ी चर्चित हुई? तो पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। तो दोस्तों फनी ब्लैंकर्स क्वीन जो है वो फ्लाइंग हाउसवाइफ के नाम से प्रसिद्ध हुई हाईलैंड की थी। इन्होंने 1948 लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक एथलेटिक में जीते, उस वक्त 30 वर्ष की थी और 2 बच्चों की माँ भी थी। नेक्स्ट है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितने वर्टिब्रा होते हैं तथा किस वर्टिब्रा को एक्सिस कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे पूरे वर्टिब्रा 33 होते हैं, और बच्चों में और वयस्क होने पर 26 हो जाते हैं।
जिसमें से आपको मैंने बताया हुआ है कि सर्वाइकल 7 होती हैं गर्दन की, वह चैनल थोरोसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं, वो कॉटी यानी लंबर कमर की जो कशेरुका होती है 5 होती हैं, एंड सेक्रल जो होती हैं 5 होती है, बड़े होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती हैं, और कॉक्सीजियल जो एक पूंछ जो पहले होता था एक अवशेषी अंग हो गया है, जो 4 होती हैं और बड़े होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती हैं। जो सर्वाइकल होता है उसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं वर्टिब्रा। और लेकिन यहाँ पे साथ साथ पूछा हुआ है कि एक्सिस को कहा जाता है, तो दोस्तों सर्वाइकल में पहला जो वर्टिब्रा होता है उसको एटलस बोला जाता है और दूसरे को एक्सिस बोला जाता है, तो दूसरे को एक्सिस बोला जाता है। तो यहाँ पे 7 होती है और सर्वाइकल 2 आपका राइट होगा, दूसरे को बोला जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 7, सी से सर्वाइकल और सर्वाइकल की दूसरा ऑर्डी C2 का मतलब होगा, पहला एटलस दूसरा एक्सिस। नेक्स्ट है, वह कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग खिलाड़ी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए करता है, जिसे जीन डोपिंग की श्रेणी में रखा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है एरिथ्रोपोएटिन, जिसे सहनशीलता में अपार वृद्धि हो जाती है और खिलाड़ी जो है देर तक थकता नहीं है। नेक्स्ट है, मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो यह है ग्वालियर में राजस्थान में। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों इसी तरह डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।